चंबा जिला मुख्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात एक आउटसोर्स कर्मचारी के द्वारा सीएमओ के नाम पर पैसे लेने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार चंबा के नजदीक डायग्नोस्टिक सेंटर में सीटी स्कैन मशीन स्थापित करवाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की गई थी। इसकी सूचना जैसे ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मिली, उन्होंने इसकी शिकायत विजिलेंस में कर दी। मेरे ध्यान में आया कि मेरे ऑफिस का एक कर्मचारी है, वो काम कराने के बदले मेरे नाम पे किसी से पैसे मांग रहा है। जैसे ही ये मेरे ध्यान में आया, मैंने इमीडिएटली जो है इसके बारे में विजिलेंस विभाग को सूचना दे दी है और आगे की कार्यवाही जो है अब वो है विजिलेंस विभाग जो अपने लेवल पे कर रहा है और केस जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसमें कोई परमिशन दिलाने के बारे में था और उसमें जो कर्मचारी था इन्वॉल्व था और मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था। जैसे ही मेरे को पता चला तो मैंने तथ्यों की छानबीन की और उसके बाद मैंने ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए विजिलेंस विभाग को जो है वो पत्र सौंप दिया है। क्योंकि ये एक आउटसोर्स कर्मी है, इसलिए जो है ये हमारा रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, तो इसका जो वेंडर है हम उसको चिट्ठी लिख रहे हैं कि इसकी सर्विसेज जो है डिसकंटिन्यू कर दी जाएँ, ताकि जो है जब तक इसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती तब तक इसकी सर्विसेज जो है हम वो डिसकंटिन्यू करा रहे हैं। यही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी कर्मचारी मेरे ऑफिस का किसी भी तरीके से कोई भी काम कराने के लिए अनड्यू फेवर या कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो कृपया मेरे संज्ञान में लाएं, ताकि मौके पे ही उचित कार्यवाही की जा सके। वही विजिलेंस के अतिरिक्त जिला अधीक्षक अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि किसी निजी डायग्नोस्टिक सेंटर में सीटी स्कैन की मशीन स्थापित करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम पर उसी कार्यालय में तैनात एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ने 50,000 रुपए का लेन देन कर दिया, जिसके चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने विजिलेंस को शिकायत पत्र सौंपा। इस मामले में गहनता से छानबीन की जा रही है और उक्त डेटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ भ्रष्टाचार की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। चंबा के द्वारा एक शिकायत पत्र थाना विजिलेंस चंबा में दिया गया था, जिसके अनुसार कनिका डायग्नोस्टिक सेंटर सरोल में उनके सेंटर में एक सीटी स्कैन मशीन लगनी थी, जिसके लिए औपचारिकताएं उन्होंने पूरी करने के बाद फाइल सीएमओ कार्यालय चंबा में भेजी थी, जो उसके बाद उनकी कार्यालय की औपचारिकता रह जाती हैं जो प्रोसेस में थी। लेकिन इसी बीच उनके ध्यान कहीं से आया कि एक आउटसोर्स कर्मचारी हरीश सिंह, जो उनके कार्यालय में लगा हुआ है, उसने 50,000 रुपये का लेन देन कनिका डायग्नोस्टिक सेंटर के कर्मचारी के माध्यम से प्राप्त किया है और ये सीएमओ के नाम पर प्राप्त किया है। और ये शिकायत पत्र जब सीएमओ चंबा ने इस कार्यालय में दी तो हमने इसको इसके फैक्ट चेक करते हुए और इसमें एक मुकदमा सेक्शन 7A, 8 और 9 PC Act के अंतर्गत दर्ज कर लिया है और इसमें अभी अन्वेषण जारी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।